Hey guys, this is Speedtiger and welcome back to my channel. और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ डार्क रेन के अंदर थॉर का टॉपिक. और मैं आपको बताता चलूँ कि ये थॉर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है. आप में से बहुत सारे लोग इस स्टोरी को जानते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने कभी इतनी डिटेल के साथ ये स्टोरी नहीं देखी होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ. तो इसलिए इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, जो एक वन शॉट कॉमिक था कबाल का, वो आप लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्ट इसमें होगी. हमने देखा था कि लोकी जो है डॉक्टर डूम के साथ वहाँ पे एक डील कर रहा था कि वो सारे एसगार्डियन को लेटवेरिया लाना चाहता है डूम के साथ, और दूसरी तरफ उसने ये बोला था कि मैं थॉर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान्स रख चुकी हूँ, मुझे पता है कि थॉर से कैसे निमटना है. तो थॉर से वो कैसे निमटेगी लोकी, वो हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे. तो इसलिए वो सीरीज़ अगर आपने देखी होगी तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी. तो मैं आपको बता चलूँ कि डार्क रेन के अंदर हमारे पास थॉर के तीन इशूज़ हैं, जिसमें से आज पहला इशू मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. और इसकी मज़ेदार बात यह कि यहाँ पे थॉर के 600 इशूज़ ख़त्म होते हैं. तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मार्वल ने इस इशू को डबल साइज इशू बनाया था, जिसका मतलब ये है कि आज की सीरीज़ कल वाले इशू की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है. 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, जिसको मैं बहुत अच्छे से आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूँगा. और इसके अलावा इसके जो दो बाकी पार्ट है वो हम आगे, और इसके बाद इसके बाकी के जो दो पार्ट्स हैं उनको हम अगले दो दिनों के अंदर कवर करेंगे, और फिर इसी तरह हम अपनी दूसरी सीरीज़ की तरफ बढ़ते रहेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और ऑसम कंटेंट आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर सकें. तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ से कॉमिक की शुरुआत करते हैं लोकी के साथ, जहाँ पे वो एक बर्फीली रात के अंदर खड़ी होती है और बोलती है कि ये खूबसूरत मेरी सारी ज़िंदगी, मतलब मेरी तमाम ज़िंदगियाँ सिर्फ इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी जो आज मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ. ये वो दिन है जिसका मैंने इतना इंतज़ार करा था. हर एक पीस को जो है मैंने पोजीशन में ला के रखा था. लोग मुझे आज तक बहुत अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, वो मुझे इररेवेलेंट थॉट्स के मुताबिक मुझे बहुत तंग करते आए हैं. वो समझते हैं कि मैंने अपना नया रूप क्या ले लिया तो मैं हल्की हो गई हूँ. वो समझते हैं कि मैं वो पहले जैसी लोगी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें उनको याद आ जाएंगी वो जो मेरे बारे में भूल चुके हैं, और वो समझ जाएंगे कि मैं क्या क्या करने के काबिल हूँ. एक जेंटल विस्पर, एक फ्लीटिंग थॉट, इस स्नो के ज़रिए मैं सब कुछ बदल के रख दूँगी. ये स्नो जो है हर वो आने वाली चीज़ को रोक देगा. और यहाँ से लोकी जो है बर्फ़ के साथ खेल रही होती है, और अचानक वो हमें एक फ्लैशबैक याद दिलाती है. और ये फ्लैशबैक आप पहले बहुत बार देख चुके हैं थॉर की सीरीज़ जब से स्टार्ट हुई है, कि यहाँ पे जो बोर यानी थॉर का जो ग्रैंडफादर था, ओडिन का बाप, उसको किस तरह से लोकी ने पास के अंदर जाके मारा था. और इसी तरह हम देखते हैं कि जब बोर मर रहा होता है तो वो यही बोलता है ओडिन से कि मेरे बेटे मुझे कभी भूलना मत, और हाँ मुझे जिस तरह से मारा गया है तो मुझे उस तरह वापसी लाना होगा. मैं जो हूँ अपनी मौत नहीं मराऊँ, बल्कि एक ख़तरनाक किस्म का सॉसरर है जिसने अपनी पावर इस्तेमाल करके मुझे दुनिया से भगा दिया, लेकिन तुम मुझे वापसी लेकर आना, तुम मुझे रीस्टोर करना मेरे बेटे. और इस तरह हम देखते हैं कि वो बोर जो था वो वहाँ पे मर जाता है, लेकिन आज लोकी के मुताबिक वो इसी बर्फ़ के ज़रिए इस दुनिया के अंदर थॉर के ग्रैंडफादर और ओडिन के बाप को वापसी जिंदा करने जा रही है, जिससे थॉर आज तक मिला नहीं है, ना ही उसने कभी उसकी आवाज़ सुनी है. और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी जो है कुछ बर्फ़ अपने हाथ में रखती है और उसके अंदर फूंक मारती है, और उसके फूंक मारने से उस बर्फ़ के अंदर जान आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि लोकी ही थी जिसने पास्ट के अंदर जाके बोर का काम तमाम करा था, तो लोकी ही है जो उसको वापसी ला भी सकती है. लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों को नहीं पता कि ये आम सी हवा बर्फ़ चलने वाली ये आम बर्फ़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ अपने साथ लेकर आ रही है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया के अंदर से उसका दिल निकाल सकता है. अगर लोग जान जाएं कि असल में वो है कौन, तो उसका नाम सुनते ही लोग डर के मर जाएं. लेकिन अब जो है उन लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उसको समझ पाएं या कुछ इसके बारे में सोच सकें, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है. और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रिज के अंदर ज़ोरदार एक बिजली गड़कती है एक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर का ग्रैंडफादर बोर वो वापसी ज़िंदा हो जाता है, और वो बोलता है कि बोर लीफा एंडर. लोकी हमें बताती है कि ये इस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, जिस दुनिया से ये गया था अब ये दुनिया वैसी नहीं रही, ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, हज़ारों साल का ज़माना जो गुजर चुका है. तो मैंने इसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको जो है कुछ स्पेल्स के ज़रिए रखा है, ताकि ये वो ना देख सके जो असल में हो रहा है, बल्कि सिर्फ वही देख सके जो मैं इसको दिखाना चाहती हूँ.
और इस तरह हम देखते हैं कि बोर को वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है जिसकी वजह से उसको हर चीज़ जो है अजीब व गरीब दिख रही होती है, उसको हर कोई अपने दुश्मन दिख रहे होते हैं जबकि वो असल में न्यूयॉर्क के सिटीजन होते हैं। और वो यहाँ पर आके बोलता है कि ये आखिर किस किस्म की डेवलिशमेंट है, मेरा एसगार्ड कहाँ है, मेरी आर्मी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, ओडिन को बुलाओ। और यहाँ पे वो सबको अटैक करना शुरू करता है। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक आ रहा होता है लेकिन वो ट्रक उसको एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है और उसको बर्बाद कर देता है। और वहीं पे लोकी बोलती है तो ये रही वो जिसका मुझे इंतजार था, चलो इसने देख तो लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लेडी जेन फोस्टर होती है जो कि ये सब तमाशा देख रही होती है और फोन पे अपने कॉल मिलाने लगती है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की तरफ यानी थॉर, और वो यहाँ पे एक बच्चे के साथ उसको जो है हॉस्पिटल में ठीक वीक कर रहा होता है क्योंकि उसका फड्डा हो गया था आज लड़कों के साथ, तो वो यहाँ पे उसको पूरी कहानी सुना रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशन हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यहाँ पे ये है कि थॉर का फ़ोन वहाँ पे बजना शुरू होता है यानी डोनाल्ड ब्लेक का। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि जेन तुमने फ़ोन करा मुझे अच्छा लगा, तो बोलती है कि हाँ हाँ ये सब बातें तो ठीक है मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी मामला है डॉन, मेरे ख्याल से तुम्हें मैनहट्टन के अंदर आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक आदमी जो कि बिल्कुल एसगार्डियन टाइप का लग रहा है वो हमारी सिटी को ऐसा फाड़ रहा है जैसे वो एक कागज़ का टुकड़ा हो। वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बुलाती यहाँ पे लेकिन सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारे रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है और वैसे भी मेरे पास किसी और का कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे मैं कर सकूँ, तो मैंने तुमसे रब्ता करने का सोचा। तो वहाँ पर डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि ठीक है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और इस वक्त थॉर के माइंड में सिर्फ ये बात चल रही थी क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब मैंने सारे एसगार्डियंस को रिस्टोर किया हो तो उसमें से कोई एक रह गया हो जिसको मैं ना ढूंढ पाया हूँ, इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और हमें वो करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल की छत पर जाता है डोनाल्ड ब्लेक और अपनी स्टिक जोर से ज़मीन पर मारता है जिससे वो थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और थॉर को बेसिकली यहाँ पे ये लग रहा होता है कि दरअसल शायद ये वही एसगार्डियन हो सकती है जो अब तक उसको नहीं मिली है, मतलब लेडी सिफ। हम सब जानते हैं कि लेडी सिफ थॉर को अभी तक नहीं मिली है, तो उसको लग रहा है कि हो सकता है कि ये लेडी सिफ ही हो जो अभी तक उसको नहीं मिली थी। और इसलिए इसको पता करने के लिए वो अपनी फुल स्पीड से जो है वहाँ पर जाता है न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ताकि पता लगा सके कि वहाँ पर वो है तो कौन है। और यहाँ पे हम बोर के पास शिफ्ट होते हैं और बोर अपने दिमाग में क्या सोच रहा है वो कुछ ये सोचता है क्योंकि यहाँ पे लोकी ने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया, उसको दुनिया अजीब व गरीब और हेल किस्म की लग रही होती है। तो वो दिमाग में ये सोच रहा था कि ये आखिर किस किस्म की दुनिया है जहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमीज, इतने ज़्यादा इंजन और बीस्ट वगैरह मौजूद हैं, ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, क्या ये दुनिया इतनी बदल चुकी है या फिर मैं बदल के चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं अपने बेटे की कोई भी ट्रेस नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरा बेटा ओडिन आखिरकार है कहाँ पे वो, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओडिन 9 वर्ल्ड्स के अंदर कहीं पे भी हो, अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी प्रेजेंस को ज़रूर महसूस कर लेता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि मेरा बेटा मर चुका है, मुझे आखिरी बार याद है कि मैं उस बैटल के अंदर मारा गया था और उसके बाद से मुझे कोई ढूंढने के लिए नहीं आया, आखिरकार इस बात को कितना वक्त हो गया है और मैं कौन से दौर में घूम रहा हूँ, ये डार्कनेस कुछ ज़्यादा ही है और मुझे यहाँ पे आज समन किसने किया है। नहीं लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है मैटर नहीं करती क्योंकि मेरा चहीता बेटा वो मर चुका है। और वहीं पे जो है बोर को ये लग रहा होता है बेसिकली कि इस दुनिया के अंदर से ओडिन मर गया है, वैसे सच में जो है अभी फिलहाल ओडिन कॉमिक्स के अंदर मरा हुआ है इसलिए उसको बिल्कुल सही लग रहा है। तो वहाँ पे चिल्लाता है कि ओडिन मेरे बेटे मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये किया है। वहीं पे थॉर आता है और बोर की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसका हुलिया देख के तो लग रहा है कि ये कोई एसगार्डियन है, उसकी नज़र दौड़ाने का अंदाज एक वॉरियर का अंदाज है लेकिन मैं इस फॉर्म से काफ़ी अनफेमिलियर हूँ, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा एसगार्ड के ऊपर, ये आखिरकार है तो है कौन। और जिस तरह ये यहाँ पे तबाही मचा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये किसी किस्म के ऑडियंस जाता है। और वहीं से थॉर बोलता है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो मेरे दोस्त, तुम जो हो यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे अपना नाम बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन और यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो तुम और यहाँ पे तुम क्या लेने के लिए आए हो। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पे थॉर उससे पीसफुली बात करने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पे दूसरी तरफ बोर वो उसको एक अलग ही लैंग्वेज के अंदर सुन रहा होता है, उसके अलग ही अल्फाज उसको दिख रहे होते हैं, उसका अलग ही हुलिया उसको दिख रहा होता है क्योंकि लोकी ने यहाँ पे स्पेल डाला है ताकि थॉर से जो है वो बोर निमट सके क्योंकि हम सब जानते हैं कि थॉर का ग्रैंड फादर है बोर, तो वो उसको आराम से हरा सकता है। लेकिन थॉर जब यहाँ पे पीसफुली बात कर रहा होता है तो बोर को लग रहा होता है कि वो उसके बेटे को मारने की बातें कर रहा है और वो थॉर को अजीब व गरीब एक डेविलिश हुलिया के अंदर देख रहा होता है। और वो पीछे पलटता है, वो बोलता है कि विलन मर्डरर तुम ही हो ना वो जिसने मेरे बेटे को मारा है। और हम देखते हैं कि वो चार्ज होता है फुल स्पीड से गुस्से से थॉर की तरफ आता है और इस तरह उसका एक्स और थॉर का हैमर आपस में टकराता है जिसके टकराने से ही पूरे के पूरे मैनहट्टन सिटी के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की शॉक वेव पैदा होती है। और थॉर भी इस शॉक वेव के जरिए काफ़ी दूर जाके पीछे गिरता है और बोलता है कि इसने जो हमला करा है ऐसा हमला सिर्फ कोई गॉड ही कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है, अगर मेरे पास इस वक्त मेरी ओडिन फोर्स मौजूद नहीं होती तो शायद इसका ये ब्लो मुझे जान से ही मार देता। और वहीं पे बोर ये बोल रहा होता है कि मॉन्स्टर्स ये किस किस्म का मॉन्स्टर है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे बेटे की शक्तियाँ हैं, इसने मेरे बेटे ओडिन की पावर्स किस तरह से चुराई हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही ठीक, इसको मरना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बोर दोबारा उसकी तरफ आता है चार्ज होता हुआ और थॉर कहीं ब्लॉक्स दूर उड़ के जाता है और थॉर यहाँ पे बहुत ज़ोर से गिरता है, उसका खून बहना शुरू हो जाता है और बोलता है कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, आखिरकार इतनी पावर के साथ ये मुझे कैसे मार सकता है।
लेकिन वहाँ पे बोर वो अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता और थॉर यहाँ पे गिरा हुआ होता है और अगले पल बोर दोबारा उसके ऊपर आके अटैक करता है। लेकिन थॉर बहुत मुश्किल से अपना सर बचाता है और थॉर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम आखिरकार कौन हो और मेरी ज़िंदगी क्यों लेना चाहते हो, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैंने कहा दूर हो जाओ। और थॉर उसको गुस्से से उठा के बहुत दूर फेंकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये सारी की सारी फाइट मैनहट्टन की मेन सिटी के अंदर चल रही है तो इस तरह लोगों के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है। थॉर के हाथ से पूरा खून बहना शुरू हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इस वक्त थॉर जो है अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म के अंदर है, मतलब उसके पास इस वक्त ओडिन फोर्स भी मौजूद है, वो पूरे के पूरे एसगार्ड का राजा भी है, लेकिन फिर भी ये बोर उसके ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि उसका खून निकल आया और बोलता है कि मुझे इसको जल्द से जल्द और आराम से ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट्स मौजूद है जिनको नुकसान पहुँच सकता है, तो जल्दी से अब मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा। और इस तरह अपना थॉर हैमर घुमाता है फुल स्पीड से और बोर की तरफ फेंकता है। लेकिन बोर वो थॉर का हैमर म्योनियर हवा के अंदर एक हाथ से पकड़ लेता है और थॉर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन बोर उसका हैमर रोकता है हवा के अंदर और उसका हैमर अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है, क्योंकि वो देखा जाए तो ये स्पेल जो है हैमर के ऊपर वो ओडिन ने बनाया है और ओडिन ने कहा था कि जो कोई भी इसके वर्दी है वो उसको उठा सकता है, तो उसका खुद का बाप तो उसके लिए वर्दी हो गई होगा। क्योंकि दरअसल यहाँ पे बोर को जो है एक गलत चीज़ दिखाई जा रही है, वो खुद गलत नहीं है, का हथियार उसके हाथ से निकल गया तो उसकी आंखों में मुझे डर नज़र आ रहा है, ये एक मर्डर्स का वेपन है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मैं इस वेपन को अपने से दूर फेंकता हूँ, लाना था ऐसे वेपन पे जो एक मर्डर इस्तेमाल करता है, मेरे हाथ ही काफ़ी हैं इससे लड़ने के लिए, एक बाप का रेज काफ़ी अपने बेटे का बदला लेने के लिए, और अगर मैं बदला ना ले सका तो मैं अपने बेटे को ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इस टाइम देखते हैं कि बोर थॉर का हैमर भी दूर फेंकता है, अपना एक्स भी दूर फेंकता है और चार जोतवा थॉर की तरफ आता है और दूसरी तरफ से थॉर भी जो है फुल स्पीड से चार जोतवा उसकी तरफ आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए फुल स्पीड से आ रहा होता है और वहीं पे दोनों आके क्लैश करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा होता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। लेकिन बोर जो यहाँ पे थॉर से मुकाबले के दौरान उससे भारी पड़ना शुरू होता है और थॉर को वो ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और थॉर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी बोर से पिट रहा होता है, उसका होश बिल्कुल खोने वाला होता है, लेकिन वो दिल में अपने यही बात सोच रहा होता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मतलब जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरे वर्ड्स उसको कुछ और सुनाई दे रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई एक ऐसी फोर्स मौजूद है तो हमें एक दूसरे से बात करना नहीं देना चाहती है, मुझे जो है इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि मैं थोड़ा वक्त हासिल कर सकूँ और डिस्कवर कर सकूँ कि आखिरकार ये क्या गड़बड़ है। हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से फिर एक स्ट्रीट पोल निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए ठंडा होता है, लेकिन थॉर वहाँ पे जो है अपना सांस लेता है और बोलता है कि अकेले, मेरे ख्याल से अकेले मैं जो हूँ उसको नहीं मार पाऊँगा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसको रोक पाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अगर किसी और को अपनी मदद के लिए बुला लूँ तो एक ग्रेटर नंबर जो है वो उसको आराम से सबड्यू कर सकता है, ये एक ऐसा बर्डन है जो कि मैं दूसरों के ऊपर डालना तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैंने दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं डाली तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा और अब मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं बची हैं, मुझे उनकी मदद मांगनी ही होगी। और हम देखते हैं कि थॉर आसमान की तरफ देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि अवेंजर्स असेंबल, और हम देखते हैं कि थॉर की असेंबल की जो गूंज होती है ये पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गूंजना शुरू होती है रात के टाइम, और ये गूंज इतनी दूर तक जाती है कि वहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि इस वक्त अवेंजर्स टावर के अंदर बैठा हुआ है उसको थॉर की आवाज़ सुनाई देती है, और वहीं पे बोर दोबारा उठता है आग के अंदर से और बोलता है कि कहाँ छुपे हुए कॉवर्ड, मेरे सामने आओ ताकि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जो है फोर्सेस वगैरह भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे पुलिस फोर्सेस मिलिट्री वगैरह, क्योंकि ये मामला अब काफ़ी हाथ से निकल चुका होता है और वो बोर को अजीब वगरीब डीमंस दिख रहे होते हैं और तो बोर उनसे भी लड़ने में लगा हुआ होता है, और बोर वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे किसके बिहाफ पे लड़ रहे हो अर्थ वालों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और वो उनके ऊपर गाड़ी मार ही रहा था लेकिन वहीं पर थॉर आता है उसको ज़ोरदार धक्का देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम अब और किसी मासूम इंसान को नहीं मारोगे। लेकिन थॉर की यहाँ पे हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और वो लोगों से बोलता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको अब ज़्यादा देर नहीं रोक सकता हूँ, और बोर वहाँ पे थॉर को पकड़ता है और अपनी लेज़र बीम से मारना शुरू करता है, और वहीं पे थॉर वहाँ पे बहुत बुरी हालत में अपने किसी ना किसी तरह से उठकर बोलता है कि सब के सब यहाँ से पीछे हट जाओ, ये मामला सिर्फ मेरे और उसके बीच में है, कोई यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, लो तुमने बुलाया और हम चले आए। लेकिन थॉर वहाँ पे अपनी क्योंकि बहुत बुरी हालत में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार है कौन जिसकी आवाज़ है, तो बोलता है कि तुम सच में, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक किस्म का आउटरेज है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। और हम देखते हैं क्योंकि जब उसने एवेंजर असेंबल बोला तो उसको नहीं पता था कि इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो एवेंजर्स की टीम को लीड कर रहा है, उसने सोचा था शायद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या और कोई हल्क वगैरह उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही किस्म की उसको एवेंजर्स की टीम दिखी है जिसको उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बोलता कि ये किस किस्म की जो है ब्लास्फेमी है, तो बोलता कि ये कोई ब्लास्फेमी नहीं, हम एवेंजर्स हैं, हम हैं अवेंजर्स 2.0, ओ इज़ फॉर आउटरेजियस, और इस वक्त शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बहुत बाहर आ चुके हो, जो ये तुम्हारा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे तुम अपनी मर्जी चला रहे हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयरन मैन से थॉर ने डील करी थी कि एसगार्ड ओक्लाहोमा जो है उसके ऊपर US गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी और थॉर USA के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑसबॉर्न जो है
ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे लोगों की जान खतरे में है, गोर यहाँ पे अजीब गरीब विलन आया हुआ है, बल्कि वो थॉर से इस बात पे बहस करने लग गया है और बोलता है कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो हाइपर थायरॉइड केसेस जो हैं वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं और उसके जरिए हमारा नेबरहुड बर्बाद हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हें भी गिराने के लिए आया हूँ। और इस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न उनकी तरफ बढ़ता है उन पर अटैक करने के लिए और यहीं पे बोर देखता है और उसको अजीब गरीब और डेवल्स दिखना शुरू हो जाते हैं और बोलता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे दुश्मन के एलाइज मौजूद हैं जो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन ये क्या, ये तो उसी को मार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इनके बीच कोई स्पोर्ट्स या कोई मैडनेस हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी मेरे यानी बोर के खिलाफ हाथ उठाने की कोशिश करी तो फिर ये मरेंगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन आता है बोर से लड़ने के लिए और उसको वो बहुत जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है। इसी तरह वो वेनम को भी बहुत दूर फेंकता उठा के और मिस मार्वल वगैरह सबको इतनी दूर फेंकता है कि वो लोग इसके सामने कुछ है ही नहीं जैसे। तो वहीं पे ऑसमोन हम देखते हैं कि थॉर के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा होता है, लेकिन थॉर बोलता है कि देखो मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, प्लीज यहाँ से पीछे चले जाओ, तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त किस तरह का डेंजर हमारे सामने है। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें डेंजर चाहिए तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डेंजर होता क्या है। लेकिन थॉर को जो है बहुत गुस्सा आता है और जमीन पे अपने दोनों हाथ मारता और बोलता है कि बस बस बहुत हो गया। और ऑसमोन उसके सर पे अपना रिपल्सर रखता है और बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, अब वाकई में बहुत हो गया, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, अब सरेंडर कर दो। लेकिन वहीं पे थॉर को अब आता है गुस्सा और वो पकड़ता है नॉर्मन ऑसमोन का हाथ और उसका पूरा आर्मर अपने हाथ से कुचलते हुए बोलता है अगर तुम्हें मरने की इतनी ही ख्वाहिश है ऑसमोन तो यहीं रहो और मरो, अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे एक सिग्नल उठाता है और उससे नॉर्मन ऑसमोन को इतनी जोर से मारता है कि नॉर्मन ऑसमोन वहाँ से दूर उड़ते बिल्डिंग में जाकर टकराता है। और वहीं पे बोलता है बोर कि ये मेरे सामने लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं इनके तरीकों से लड़ता रहा तो शायद मैं उडिन की तरह यहाँ पे आज हार जाऊँ, मैं जो हूँ गिर जाऊँ और मैं फिर शायद कभी उठ ना पाऊँ, लेकिन मैं इनको इस तरह से नहीं मानना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिसने मेरे बेटे का खून किया है मैं उसका गला अपनी उंगलियों में महसूस कर सकूँ जब उसको दबा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी तरीके हैं जो कि लेस सेटिस्फाइंग है लेकिन काम ज़रूर बन जाएगा। अब चलो अगर ये लोग ऐसा ही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही ठीक है, मैं इनको बताता हूँ कि ये किसी इंसान से नहीं बल्कि एक गॉड से लड़ रहे हैं, मैं इनको दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है, चाहे इसके लिए मुझे गिरना ही क्यों ना पड़े, अगर मुझे गिरना भी पड़े तो मैं एक गॉड की तरह गिरूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ओडिन के पास एक ओडिन फोर्स होती है वो उसका इस्तेमाल करके बहुत ताकतवर हो जाता है, इस तरह यहाँ पे बोर के पास भी एक बोर फोर्स है और वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि बार्डर अपने थ्रोन पे बैठा होता है और लोकी उसके पास आती है लौटते हुए और बोलती है कि माय लॉर्ड बार्डर मैं लौट आई हूँ, मैं वॉक करने के लिए गई थी लेकिन मैं आपके लिए एक खतरनाक किस्म की न्यूज़ लेकर आई हूँ। और वहीं पे लोकी बोलती है कि देखिए इस स्टोन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है, ये हमसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, देखा उस स्टोन उसको कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसको वही फाइट दिखा रही थी जिस वक्त बोर और थॉर के बीच हो रही है, तो बार्डर बोलता है कि ये तो थॉर है, तो लोकी बोलती है कि हाँ ये थॉर है और इस वक्त ये कॉम्बैट के दरमियान लगा हुआ है, इस वक्त मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो जिस आदमी से लड़ रहा है उसकी दरअसल आइडेंटिटी क्या है, वो आखिरकार है कौन, लेकिन जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है जो कुछ भी मुझे समझ आ रहा है उसके लुक्स को देख के मुझे तो शायद ऐसा ही लग रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ग्रैंडफादर यानी कि बोर हैं जो कि ओडिन के फादर और इस पूरे के पूरे एसगार्ड के आर्किटेक्चर है जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। तो बार्डर बोलता है कि नहीं ये तुम कैसी बातें कर रही हो लोकी, वो तो सेंचुरीज पहले जो है वो मारे गए थे, उनको हम एक जंग के अंदर हार गए थे। तो लोकी बोलती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड बार्डर के वो मारे गए थे, लेकिन इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद लौट आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो उसको वो पिक्चर दिखाती है जिसमें वो थॉर का हैमर उठाया हुआ होता है। और ये देख के बार्डर के दिमाग में उसने ऐसा कुछ डाल दिया कि थॉर जो इस वक्त अपने ग्रैंड फादर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। और लोकी बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि थॉर हमारे ग्रैंड फादर बोर को क्यों मारना चाहता है। तो वहीं पर बार्डर बोलता है लेकिन अगर थॉर ने बोर को मार दिया तो क्या होगा, तो लोकी बोलती है कि इसी बात की तो मुझे चिंता है। तो बार्डर बोलता है फिर तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा, लोकी अपना कोई स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो जिससे हम फौरन वहाँ जा सकें। तो लोकी बोलती है कि बिल्कुल मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ। और दूसरे पल हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे जो उसने अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू करी है तो वहाँ पे पूरी न्यूयॉर्क सिटी वो बर्बाद होना शुरू हो गई है, एक अजीब गरीब तूफान वहाँ पे आ गया है और थॉर उस तूफान के अंदर खड़ा भी नहीं हो पा रहा और बोलता है कि इतनी फोर्स मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करी है, ये इतनी पावर है कि जिसके ज़रिए इस पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल सी बात है, मोर्टल्स इस फाइट के दरमियान कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे जिंदा नहीं रहेंगे, ये मैडनेस अब बढ़ते ही जा रही है, मुझे इसको रोकना होगा, मुझे इसको जल्द से जल्द रोकना होगा ताकि और ज़्यादा लोग मारे ना जा सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल से अपने हैमर की तरफ पहुँचता है और अपना हैमर उठाता है और ज़ोरदार एक बिजली चमकाता है और थॉर वहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगाता है उस हैमर के ऊपर और अपना एक ज़ोरदार ब्लास्ट जो है वो बोर के ऊपर मारता है जिससे थॉर की अपनी जो पावर्स हैं वो फेड होना शुरू हो जाती हैं और बोलता है कि लाइटनिंग मेरे अंदर से फेड हो रही है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे लड़ना होगा, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ। और वहीं पे थॉर अपना हैमर दोबारा लेता है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा और उसे लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि उसने इतना ज़बरदस्त अभी अपने यहाँ पे ब्लास्ट मारा है जिससे थॉर की अपनी पावर जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन बोर को
कुछ भी नहीं होता और बोर इस वक्त अपनी शक्तियों के साथ चमकता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और थॉर भी जो है यहाँ पे गुस्से में एक जोश से भरा अपना म्योनियर उठाता है और उसके ऊपर कूदता है उसको मारने के लिए। और यहाँ पे दोनों के वेपन्स आपस में क्लैश होते हैं तो जोरदार धमाका और शॉक वेव पैदा होती है। और बोर बोलता है कि ये मेरी तरफ एक बहुत खतरनाक स्पीड से आ रहा है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो शक्ति है वो मेरे बेटे की है। इसका हर एक ब्लो जो है वो मुझे महसूस हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ वो कम नहीं है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। और थॉर भी दूसरी तरफ अपने दिल में यही बोल रहा था कि मेरे पैर जो हैं अब कांप रहे हैं, ये शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूं। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इससे लड़ना ही होगा। और इसी तरह बोर भी वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे अपने बेटे के लिए लड़ना होगा। और दोनों आपस में दोबारा एक बार जो है खतरनाक किस्म का क्लैश करते हैं, जहाँ पे थॉर अपने म्योनर उसके सीने पे मारता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि जब ये सारा का सारा धुआं ठंडा होता है, जब थॉर अपने होश में आता है और खड़ा होता है अपने घुटनों के बल, तो बोलता है कि ओडिन्स ब्लड ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर का जो म्योनर होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। और वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि थॉर हम लौट आए हैं, क्या हम सही वक्त में पहुँच गए हैं यहाँ पे, हमें देर तो नहीं हो गई? तो थॉर बोलता है कि नहीं, तुम लोग सही वक्त पर आए हो, मैंने उसको मार गिराया है, अब वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन वहीं पे बाढ़ लगाता और बोलता कि नहीं थॉर तुमने ये क्या किया, थॉर ये हमारा ग्रैंडफादर बोर था यानी ओडिन के पिता। तो थॉर बोलता कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थॉर को दरअसल ये बात नहीं पता कि वो बोर उसका ग्रैंडफादर था और लोकी उसको एक ऐसे टाइम पे लेकर आएगी जब थॉर ने बोर का काम तमाम कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे बोर को उसने खतरनाक किस्म का जो है झटका दे दिया होता है, एक आखिरी ब्लो मार दिया होता है जिसमें उसका खुद का वेपन म्योनर टूट गया है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थॉर ने कितनी अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करी है और अपने वेपन की। तो बोलते हैं कि मेरे बेटे ओडिन मुझे माफ़ करना, मैं फेल हो गया, मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले सका, मुझे माफ़ कर देना, मेरा एनिमी शायद मुझसे वाकई में कुछ ज़्यादा ही भारी था, जिसको मैं समझ रहा था कि आसानी से हरा पाऊंगा, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम और मैं एक साथ वेलहैला के अंदर मिलेंगे। और इस टाइम देखते हैं कि बोर वहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। थॉर वहीं पर जो है हम देखते हैं कि उसकी लाश को लेकर रोना शुरू कर देता है और बोलता है कि सच में मुझे नहीं पता था, वो यहाँ पे एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, ये सारी डिस्ट्रक्शन उसी की वजह से हुई है। तो वहीं पे लोकी पीछे से आती है और आग लगाना शुरू करती है और बोलती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो शायद डिस्ट्रक्शन उन्होंने ही की हो, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि वो इतने सेंचुरीज के बाद दोबारा इस अर्थ पे लौट कर आए हैं, तो उनके हिसाब से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अलग थी, शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं करी? थॉर बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन बार्डर बोलता है कि माय लॉर्ड आपने हमारे फादर, आपने एसगार्ड के असली राजा को, आपने एसगार्ड के पहले राजा को अपने हाथों से मार दिया है। तो वहीं पर लोकी आती है और बोलती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बार्डर, वैसे मैं भी बिल्कुल यही बात कहना चाहती थी, लेकिन अगर मैं कहती तो लोग बुरा मान जाते, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है लॉर्ड बार्डर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाहे वो हमारे बीच रहते क्यों ना हो, वो बहुत पहले गायब ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे एसगार्ड के असली राजा थे और थॉर ने हमारे राजा को जान से मार दिया है। और इससे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग बात कोई और हो नहीं सकती है कि थॉर ने अपने हाथों से अपने ग्रैंडफादर को मार दिया जो कि एसगार्ड के पहले राजा थे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इस तरह की कोई पनिशमेंट भी मौजूद है हमारे बीच, अगर हमारे में से किसी शख्स ने रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को मार दिया या उसका टाइटल चुराने की कोशिश करी तो उसकी सज़ा भी ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे याद है इसकी सज़ा है एसगार्ड से बैनिशमेंट। क्यों लॉर्ड बाल्डर, क्या मैं ठीक नहीं कह रही हूँ कि जो कोई भी अपने रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को मारता है उसको एसगार्ड से निकाल दिया जाता है? तो अब आप देख रहे होंगे कि लोकी का क्या प्लान था, लोकी ने क्या सोचा था कि थॉर को किस तरह से वो इक्वेशन से आउट करेगी, इस तरह थॉर जब एसगार्ड पे रहेगा ही नहीं तो वो वॉन्डूम के साथ वहाँ पे नहीं जाएगा। और वहाँ पे बाल्डर जो है अफसोस में बैठा होता है और बोलता है कि बिल्कुल लोकी तुम ठीक कह रही हो, जो कोई भी रॉयल फैमिली के मेम्बर को मारता है उसको एसगार्ड से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये लॉ जो है इसकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा चाहे वो कोई भी हो। और इस वक्त बाल्डर जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठा है, उसकी बात थॉर को सुननी पड़ेगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि महल के अंदर लोकी उसको यही बात बता रही होती है कि रूल्स रूल्स होते हैं, वो हमने एसगार्ड की बेहतरी के लिए बनाए हैं, अगर कोई भी उस रूल को जो है कुचलने की कोशिश करता है तो उसको एसगार्ड से बाहर जाना होगा चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो वहीं पे बाल्डर बोलता है कि थॉर अब तुम्हारी जजमेंट का मोमेंट आ गया है, क्या तुम अपने जजमेंट सुनने से पहले कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? तो थॉर बोलता है कि वाकई में अब मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा भी नहीं जाएगा? और यहाँ पे जो थॉर बात करता है वो वाकई आप लोगों को दिल हिला देगी। थॉर बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि मैंने अपने राजा बोर को मारा है, वो लॉर्ड ऑफ एसगार्ड भी था, मैं कहाँ पे क्या बात करूँ, क्या मैं ये बात जुटला दूँ कि मैंने वो नहीं करा है जबकि मैंने वो किया है, क्या मैं ये बात जुटा दूँ कि मैं उसको वापस जिंदा कर सकता हूँ और जो हुआ है मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे ये इस बात के लिए भी अफसोस नहीं करूँगा कि जो मैंने किया है वो गलत किया है, जो मैंने किया है वो हो चुका है, अब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको बदला जा सका है। और तुम मुझसे बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ, तो हाँ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन और किसी और जगह पे। और मेरी बात याद रखना कि जब मैं बात करूंगा तो वो तुमसे नहीं करूंगा बल्कि उससे करूंगा जिससे मुझे वो बात करनी चाहिए, और जब मैं बात करूंगा तो मेरी बात नहीं होगी, उसके साथ थंडर और फायर होगी जो कि ज़मीन को हिला के रख देगी।
और थॉर यहाँ पे बहुत गुस्से से जो है वो धमकी देके जाता है लोकी को, क्योंकि थॉर समझ चुका है कि यहाँ पे बाल्डर वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोकी के कहने पर चल रहा है और लोकी ने ये सारा प्लान बनाया था जिसकी वजह से थॉर बदनाम हो जाए। तो वहीं पे लोकी बोलती है चलो वेल, थॉर ने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपने किए पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रहा है, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिससे वो बेगुनाह साबित हो सके। तो जहाँ तक इसने जो बातें कही हैं उसको सामने रखते हुए तो एक ही वर्ड मेरे सामने आता है और वो ये कि ये गिल्टी है। एज अ सन ऑफ ओडिन, हाफ ब्रदर ऑफ थॉर एंड प्रिंस ऑफ एसगार्ड, फाइनल जजमेंट देने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। मुझे जो कहना था वो तो मैं कह चुकी हूँ, सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि हमारे एसगार्ड का लॉ हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर आप अपने भाई को देख के इस लॉ को बदलने की सोच रहे हैं। क्या इसी तरह एसगार्ड चलेगा आगे जाके भी आपकी हुकूमत के अंदर? तो बाल्डर फौरन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे बाल्डर खड़ा होता है और सबसे ऐलान करता है कि आज के दिन के बाद से थॉर जो है वो एसगार्ड का कोई राजा नहीं रहा, हम उसको अपनी कंपनी से डिनाई करते हैं, वो हमारे घरों में नहीं रहेगा, ना ही हमें उसकी कोई मदद चाहिए होगी आज के बाद से, ना ही हम उससे बातचीत करेंगे। इसीलिए ये एसगार्ड मुकम्मल तौर पे जो है थॉर से कत ताल्लुक ही कर देता है। आज के बाद थॉर इस ज़मीन के ऊपर अपना कदम नहीं रखेगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा ही क्यों ना हो। और जिस किसी भी एसगार्डियन ने थॉर की मदद करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। थॉर, आज के बाद से तुम जो हो एसगार्ड की सरजमीन से हमेशा के लिए बैनिश किए जाते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से अपना हेलमेट पहनता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। और वहीं पर अभी भी लोकी जो है सिर्फ आग लगाने से बाज नहीं आई है, बल्कि वहाँ पे वो बाल्डर का दिल और ख़राब करना चाहती है और बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि आपके कंधों पर इस वक्त बहुत बड़ा बोझ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है लॉर्ड बाल्डर, लेकिन आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक करा है। आपका एक डिसीजन एक प्रॉपर डिसीजन था जो कि लेना ज़रूरी था, इसी के जरिए एसगार्ड हमारा अच्छे से रह सकता है। मुझे बस अभी भी एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि थॉर ने क्यों हमारे ग्रैंडफादर को इस तरह से मार दिया है। और अगर आपको याद हो तो एक चीज़ मुझे और भी और लगी थी कि थॉर ने अपने फादर ओडिन को एक ऐसी दुनिया में छोड़ दिया था जहाँ पे वो रोज़ाना जी रहे थे, रोज़ाना मर रहे थे। अगर हम सारी चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर जानबूझ के ओडिन को वहाँ पर छोड़कर आया है और अब उसने अपने ग्रैंडफादर को भी जानबूझ के मारा है ताकि ये थ्रोन यानी एसगार्ड जो है वो हमेशा उसका रहे और वो उसके ऊपर हमेशा राज कर सके। और ट्रू बाल्डर, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन अगर ये सारी बातें सच है कि थॉर ऐसा चाहता है कि इसके ऊपर कोई राज ना करे, तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि आपकी जान बाल्डर, आपकी जान मेरे ख्याल से खतरे में है। आपको हमें और ज़्यादा महफूज रखना होगा क्योंकि अगली बार थॉर शायद आपसे लड़ने के लिए आए। लेकिन ये बात जो है वो बाल्डर से बर्दाश्त नहीं होती और बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने थॉर के बारे में ऐसा कुछ कहने की कोशिश करी जिसने मेरी एयन से जो है ज़िंदगी बचाई है, वो हमेशा मेरा सच्चा दोस्त, मेरे भाई की तरह रहा है, तो ये ब्लेड आज मैं तुम्हारी सिर्फ गर्दन पे रख रहा हूँ, अगली बार ये ब्लेड तुम्हारे गर्दन के आर पार होगी, समझ में आई तुम्हें? तो वहीं पर लोकी बोलती है कि ऑफकोर्स लॉर्ड बाल्डर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर सहारा देने की कोशिश कर रही थी और जो सच्चाई है उसको आपके सामने रख रही थी। तो बाल्डर बोलता है कि ठीक है, तुमने जो करना था वो कर दिया, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात, अब अपने आप को जो है मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो और ये अपनी ज़बान अपने साथ वापसी लेके जाना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम देख रहे हैं कि लोकी ने यहाँ पे जो है थोड़ा एक ओवर स्टेप कर दिया, जिसकी वजह से बाल्डर जो है अब वो गुस्से में आ गया लोकी की बात सुन के, क्योंकि चाहे कुछ भी हो थॉर जो है यहाँ से चला ही क्यों ना गया, लेकिन बाल्डर उसको दिल से अपना भाई ज़रूर मानता है। और वहीं पर लोकी आती है वॉरियर्स थ्री के पास और बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि थॉर के जाने का लॉस वो बहुत ज़्यादा है, इसका लॉस तो बिल्कुल इस ज़मीन की तरह हो गया है, मतलब बिल्कुल खुश्क गर्म और बंजर ज़मीन की तरह, लेकिन मुझे थॉर के लिए ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही है क्योंकि थॉर अब इस ज़मीन से जो है बाहर जा चुका है, अब वो अलग अलग वेदर्स को देखेगा, वो स्नो के अंदर खेलेगा, वो ठंड में रहेगा, वो क्लाइंब करेगा, वो हंट करेगा अपनी मर्ज़ी से, वो यहाँ पे अब कैद नहीं रहने वाला जैसा हम लोग यहाँ पे इस घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। तो वहाँ पे होगन बोलता है जो कि वॉरियर थ्री का मेंबर होता है कि लोकी आखिरकार तुम ये बात करके क्या साबित करना चाहती है, तुम्हारा मकसद क्या है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये बात कि अर्थ पे हम लोग सिर्फ इसी जगह पे रह सकते हैं, हम किसी और जगह पे नहीं जा सकते हैं, हमें कोई अपनाएगा नहीं। तो लोकी वहाँ पे खड़ी हुई बोलती कि देखो इसी बात पे तो तुम सब गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह मौजूद है, पहाड़ वगैरह मौजूद हैं और वहाँ तुम्हारा जाना मना है, लेकिन सारी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे तुम्हारा जाना मना है। मैंने एक जगह के बारे में पता लगाया है जो कि एक छोटे से विलेज के अंदर है और वहाँ पे कैटल्स वगैरह भी मौजूद हैं, और मैंने उस जगह के राजा से भी बात करी है हमारे बारे में और वो इस बात पर अग्री भी कर गया है, उसने हमें खुद उस जगह पर आने के लिए इनवाइट करा है, सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं बल्कि हम सबको, वो चाहता है कि हम इस सड़ी हुई बेकार सी बंजर जगह को छोड़ दें जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से शिफ्ट होकर उसकी ज़बरदस्त किस्म की कंट्री के अंदर आ जाएं और वो हमें वहाँ पे स्वागत करना चाहता है और वो हमें वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी हमें ख्वाहिश है और जिसकी हमें ज़रूरत है। वैसे तो मैं चाहती तो लॉर्ड बाल्डर से ये बात खुद से जाके कर सकती थी कि हमें वहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन लॉर्ड बाल्डर अभी मुझसे थोड़ा गुस्सा हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुनना पसंद करेंगे, और ज़्यादा बेहतर यही होगा कि तुम में से कोई जाके जो है लॉर्ड बाल्डर से इस बारे में बात करे, क्योंकि अगर हर बात नहीं करती है तो लॉर्ड बाल्डर मुझे पता नहीं क्या समझेंगे। तो वहीं पे वो बोलता है कि लोकी आखिरकार तुम किस ज़मीन की किस जगह की बात कर रही हो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी कि वो कौन सी जगह है तो हम लॉर्ड बाल्डर को कैसे बताएंगे कि हमें वहाँ जाना है। तो लोकी बोलती है अरे सच में मैं कितनी बड़ी बोंदू हूँ, मैं तो तुम लोगों का नाम ही बताना भूल गई कि हमें किस जगह जाना है। तो उस जगह का नाम है किंगडम ऑफ लेटवेरिया और वहाँ का राजा है विक्टर वॉन डूम।
to be continued.